नौवीं के बाद स्कूल छूटा, 14 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ा, वेल्डिंग का काम किया, फिर वापस आया और विकेट की झड़ी लगा दी। आईपीएल ने कई उभरते खिलाड़ियों को क्रिकेट में नाम कमाने और आगे बढ़ने का मौका दिया। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या जैसे कई नाम हैं जो इस टूर्नामेंट के जरिए बड़े खिलाड़ियों के बीच अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। साथ ही बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं। आईपीएल 2021 में भी इस तरह के बहुत से खिलाड़ी हैं जो सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन अपने खेल के बूते उन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने मौका दिया। इन्हीं में एक नाम है लुकमान मेरीवाला। वह बड़ौदा के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। लुकमान मेरीवाला को दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली कैपिटल्स ने 20 लाख रुपए की बेस प्राइस पर अपने साथ लिया है। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से आईपीएल डेब्यू किया, लेकिन इस खिलाड़ी के लिए क्रिकेट को करियर बनाना आसान नहीं था। एक बारी तो वे घर चलाने के लिए वेल्डर बन गए थे, लेकिन किस्मत पलटी और उनकी क्रिकेट के मैदान में वापसी हुई। 30 साल के लुकमान मेरीवाला पिछले कुछ सालों से लगातार घरेलू क्रिकेट में विकेट ले रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी तीनों फॉर्मेट में यह खिलाड़ी कंसिस्टेंट रहा है। जनवरी 2021 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इस खिलाड़ी ने शानदार गेंदबाजी की थी और टीम को फाइनल तक ले गए थे। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 8 मैच में 15 विकेट लिए थे। वे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर थे। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 5 मैच में 8 विकेट अपने नाम किए थे। वहीं 2019-20 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 7 मैच में 16 छक्के थे। इस तरह से लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में यह गेंदबाज लगातार टॉप में रह रहा था। इसका परिणाम हुआ कि आईपीएल 2021 की नीलामी के दौरान दिल्ली ने उन पर बोली लगाई। फिर इस टूर्नामेंट में उमेश यादव और ईशांत शर्मा जैसे सीनियर गेंदबाज होने के बावजूद उन्हें प्लेइंग 11 में मौका दिया।